पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। स्वाद का सफर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। सभी का स्वागत है। राजस्थान, राजस्थान जाना जाता है अपनी आन बान और शान के लिए, चाहे वो उनके जीने का तरीका हो या अपनी परंपराओं को सहेजने का जुनून या उनके खान पान के पारंपरिक व्यंजन। आज हमें उसी राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर की रसोई में, और मेरे पीछे है जोधपुर सिटी का दिलचस्प नजारा। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। पूरे शहर में बिखरे वैभवशाली महल, किले और मंदिर एक तरफ जहां ऐतिहासिक गौरव को जीवंत करते हैं, वहीं दूसरी ओर बेहतरीन हस्तकलाएं, लोक नृत्य, संगीत और यहां के खुश मिजाज लोग शहर में रंगीन समा बांध देते हैं। पूरे साल चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान किले का प्रदेश कहा जाता है। वैसे तो पूरा राजस्थान किले से भरा पड़ा है, लेकिन इन सब में जोधपुर का ये मेहरानगढ़ किला सबसे अलग है। यहाँ के म्यूजियम, यहाँ के पत्थरों पर की गई बेहतरीन नकाशी, किले के अंदर का सौंदर्य और साफ सफाई लोगों को यहाँ खींच लाती है। और अभी हम मौजूद है जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के ऊपर। यहाँ रखी पुरानी तोपे और शहर का ये विहंगम नजारा किसी को भी रोमांचित कर देता है। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं यहाँ के लोग। तो आप जोधपुर घूमने आए हैं? ये जोधपुर यहाँ राजस्थान की है, कहीं बाहर से हैं? नहीं, बाहर से हैं। यूपी मेरठ से आए हैं। अच्छा, यूपी मेरठ से आए हैं। जोधपुर घूमने के लिए आए हुए हैं। तो कितने दिन हुए अभी आपको यहाँ पे आए हुए? अभी हमें 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए, तो काफी जगह घूम ली होगी। जी हाँ, काफी जगह घूमे यहाँ। तो आप यहाँ आए होंगे तो कुछ राजस्थानी क्विजीन भी खाया ही होगा, मतलब खा ही रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा, मतलब क्या तरह तरह की वैरायटीज है जो यहाँ आपको मिलती है? हमें यहाँ की एक तो जूतियाँ बहुत फेमस है, वो बहुत पसंद आई, हमने खरीदी थी यहाँ पर जूतियाँ। और खाने की बात, खाने की बात करें तो हमने गट्टे की सब्जी खाई है, और वो क्या था, दाल बाटी चूरमा भी खाया हमने यहाँ पर, काफी अच्छा, काफी फेमस है। हमने दही कचौड़ी भी, और लोगों का वेलकम तो आउटस्टैंडिंग है कि आप, मैं बोलता हूँ कि सभी लोगों को राजस्थान आना चाहिए। जी, यहाँ पे बहुत वार्म थे, बहुत जिस तरह से वो सबका स्वागत करते हैं, बहुत ही होमली और बहुत वेलकमिंग लगता है। तो अगर आपको हमें सजेस्ट करना हो कि आप ये, अगर आप जोधपुर आए तो ये आप खा के जाइए, तो ऐसी कौन सी डिश है जो आप बोलेंगे कि ये खा के जाइए? जोधपुर आओ तो आप लिट्टी चोखा, नहीं एक्चुअली सॉरी, वो दाल बाटी चूरमा जरूर खा के जाएं, यहाँ का फेमस है। और मैं आपकी जानकारी की बता दूं कि यहाँ पे एक पंचकुटा की सब्जी मिलती है, जो राजस्थानी का, मतलब इट इज अ वेरी ट्रेडिशनल डिश ऑफ राजस्थान। तो आप वो जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने भी कहीं से सुना है। तो वो बस यहाँ पे एक सब्जी और ट्राई किया, वो सींगरी, सींगरी का साग होता है कुछ। इस किले के प्राचीर पर सजी अलग अलग आकार की तोपे आज भी लोगों को बरबस अपनी तरफ आकर्षित करती है,
और लोग कौतूहल से उन्हें देखते हुए सोचते हैं कि कभी ये गरजते भी थे। जब भी तोप का जिक्र होता है हमारे दिमाग में सिर्फ एक नाल वाली तोप की छवि आती है, पर यहाँ रखी 20 नाल वाली तोप ये दर्शाती है कि मुगलों के बाद भी ऐसी तोपें भारत में यूज हुआ करती थी। तोपों की लगी इस प्रदर्शनी में हम ये देख सकते हैं कि कैसे मुगल काल से ब्रिटिश काल आते आते हमारी तोपों की डिजाइन और टेक्नोलॉजी में भी काफी फर्क आया। हमने 20 नाली वाली तोप तो देख ली, लेकिन हम देख सकते हैं कि उस एक नाली वाली तोप और इस एक नाली वाली तोप में बहुत फर्क है। इसकी डिजाइन बहुत मॉडर्न है और ये तोप जो ब्रिटिश एरा की है, जो 1918 की है, इसमें काफी कुछ बदलाव है। इसमें एक सुरक्षा कवच है, एक स्टीयरिंग व्हील है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तोपों की डिजाइन और उसकी टेक्नोलॉजी में भी काफी बदलाव आया है जैसे जैसे हम मुगल से ब्रिटिश काल तक आते गए। अभी हमारे पास जोधपुर में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। मारवाड़ में एक कहावत है, जीरा जीव का बैरी है। बहुत सारा खाना था पर सब कुछ बेहतरीन और लाजवाब। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त हमें जोधपुर की काजरी में, जी हाँ काजरी मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने 1959 में जोधपुर में की थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को उत्तम किस्म की बीज उपलब्ध कराने के साथ साथ आधुनिक तकनीक से रूबरू कराना भी है। ये संस्थान रबी और खरीफ जैसे फसलों के बीज को उपलब्ध तो कराती ही है, साथ ही पशु के चारे के बारे में भी भरपूर जानकारी देती है। जोधपुर में ज्यादातर मसालों की खेती होती है, जीरा, कस्तूरी मेथी, धनिया, सरसों, राजगीरा, ये सब गोल की यहाँ भरपूर खेती होती है। जानकार बताते हैं कि यहाँ की जलवायु और यहाँ की मिट्टी इन मसालों की खेती के लिए अनुकूल है। जोधपुर में कई ऐसे सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं जो देश और प्रदेश के किसानों को खेती और पशुपालन के प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें उत्तम किस्म के बीज और खाद भी उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें जोधपुर की हरियाली में, और यहाँ हमें दिख रहे हैं जोधपुर के दो मुख्य फसल जीरा और राजगीरा। तो इसकी खेती और खूबी के बारे में जानने के लिए बात करते हैं किसी जानकार से, चलिए। अभी हम हैं जोधपुर की फसल वाटिका में और मेरे सामने जो ये पौधा है, ये जो क्रॉप है, जोधपुर का सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट क्रॉप है और वो है राजगीरा। राजगीरा नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि मल्टीग्रेन आटे में इसका खास उपयोग होता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो इसके बारे में हमें बताएंगे डॉक्टर हंसराज मेहता जी। तो बताइए कि ये जो क्रॉप है ये मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा मैं देख रही हूँ कि राजगीरा का, तो ये इसको आप कैसे हार्वेस्ट करते हैं, इसका ये कैसे आप उगाते हैं और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं? देखिए ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुष्क क्षेत्र की मुख्य फसलों में से एक पोटेंशियल क्रॉप जो भारत सरकार कहती है, पोटेंशियल क्रॉप्स में एक राजगीरा हमारे शुष्क क्षेत्र की फसल आती है। इसको पोटेंशियल इसलिए कहते हैं, एक तो इस क्षेत्र में जहाँ पानी की कमी है तो बहुत कम वर्षा में या बहुत कम सिंचाई में, जैसे आप देख रहे हो ये 60 दिन की फसल सिर्फ हमने एक सिंचाई की है और एक सिंचाई और दो सिंचाई में ये फसल पक जाती है और इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा इसमें बहुत सारी जैसे दूसरी फसलें हमारी इसबगोल है या जीरा है, तो जीरे में बीमारियाँ बहुत रहती हैं, तो ये एक तरह से आपकी अश्योर्ड क्रॉप जिसको आप कह सकते हो। दूसरा इसके फायदे ये हैं,
कृषि या एक आवासीय अनाज है, जैसे इसको सूडो सीरियल कहते हैं, तो आवासीय अनाज है। इसमें लाइसिन जो हमारे शरीर के हिसाब से जो से बहुत से पोषक तत्व या अमाइनो एसिड की हमारे शरीर को ज़रूरत रहती है, तो वो अमाइनो एसिड दूसरे अनाजों से गेहूँ और आपके धान की तुलना में 3 गुना करीब इसमें होता है। तो इस तरह का अनाज जिसमें बहुत सारे गुण हों, कम सिंचाई की जिसको आवश्यकता हो, बीमारियां और कीड़े कम लगते हों, पैदावार जिसकी बहुत अच्छी हो, तो इस क्षेत्र में हम किसानों को इसका डेमोस्ट्रेशन देके ये बताना चाहते हैं। किसान हमारे यहाँ के देख के खुद रियलाइज करता है कि दूसरी फसलों की तुलना में कम पानी में राजगिरा अच्छी पैदावार दे सकता है। तो ये यहाँ का मेजर फसल होने का रीज़न ये भी है कि ये शुष्क क्षेत्र में भी बहुत अच्छा पैदावार देता है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसका सॉइल भी बहुत पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगता, और ये उसमें भी एक ड्राई ड्राई कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा पैदावार देता है। हाँ, ये शुष्क क्षेत्र में अच्छी पैदावार देता है, क्योंकि हमारे से लगा हुआ जालोर और उत्तर गुजरात का इलाका है, उसमें इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है। हमारे किसान इसको ज़्यादा नहीं अपना रहे, इसलिए हम डेमोंस्ट्रेशन देके किसानों को दूसरी फसलों की तुलना में हमारे यहाँ फसल वाटिका में एक साथ बहुत सारी किस्में राजगिरा की और राजगिरा के साथ दूसरी जो रबी की फसलें हैं वो लगा के हम बताना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हो 60 दिन में दूसरी फसलों की तुलना में ये कितना जैव पदार्थ, और 60 दिन में ये फसल आपको ऑलमोस्ट अगले 30 दिन में पक जाएगी। तो कोई भी रबी की फसल 3 महीने में नहीं पकती, और ये 3 महीने में ये किस्म जो अन्नपूर्णा आप देख रहे हो ये पक रही है। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही टाइप का है कि इसकी और भी बहुत सारी इसकी बहुत सारी अलग ही किस्म होती है, इसके अलग सारे वैरायटीज होते हैं, ऐसा है? भारत वर्ष में जहाँ जहाँ राजगिरा हो रहा है वहाँ करीब करीब 20 किस्में इसकी अनुशंसित हैं। अच्छा। पर हमने यहाँ पे 9 किस्में अलग अलग लगाई हैं। आप इसको एक साथ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। सबसे जल्दी पकने वाली में अन्नपूर्णा है, कुछ किस्में 120 दिन में पकती हैं, कुछ 125 दिन में पकती हैं। तो जल्दी पकने वाली किस्म का फ़ायदा ये है कि आप मौसम ख़राब होने से पहले या एक सिंचाई कम में आपके फसल किसान के हाथ आ जाएगी। तो जैसा कि आपने बताया कि राजगिरा में यहाँ पे कम से कम 20 किस्म की होती है वैरायटी, और यहाँ पे 9 किस्म की वैरायटी अवेलेबल है। तो चलिए दिखाइए कि राजगिरा की और कौन सी वैरायटी यहाँ पे है। ये भी राजगिरा का ही पेड़ है, और इसके फ्लावर जैसा कि आप देख रहे हैं पर्पल कलर की है, वो ग्रीन है और ये पर्पल है, और इसके पत्ते भी थोड़े डिफरेंट है, और इसकी हाइट भी काफी लंबी है। तो मुझे लगता है कि ये एक सेकेंड वैरायटी है जो हम देख रहे हैं जो उससे थोड़ी डिफरेंट है, और देखते हैं। आइए, ये भी राजगिरा है लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है, ये थोड़ा टाइम लेता है, इसको पकने में थोड़ी टाइम लगती है, ये थोड़ा लेट हार्वेस्ट होता है उन दोनों के कंपैरिजन में। तो ये भी, इसके पत्ते भी काफी बड़े बड़े हैं, उनके पत्ते थोड़े लंबे हैं और थोड़े नैरो हैं, लेकिन इसके पत्ते काफी वाइड है, और ये थोड़े से साइज में छोटे भी है जो कि थोड़े दिन बाद बढ़ेंगे। तो ये एक थर्ड लेवल ऑफ वैरायटी जो हम देख रहे हैं, और ये अगेन बैक टू द सेम वैरायटी ऑफ राजगिरा, बट इसके जो फ्लावर्स है इसमें कुछ फ्लावर्स हमें पर्पल भी दिख रहे हैं, जैसे उसमें सिर्फ ग्रीन थे, इसमें पर्पल भी है, जो मुझे पता चला है कि ये बाहर से पॉलिनेट जब होते हैं तो ये कोई भी एक अलग टाइप की इनकी अलग टाइप की बडिंग होती है, इनके अलग टाइप के फ्लावर निकलते हैं। तो ये हमारे हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ राजगिरा। उसके साथ साथ ये भी है, मारवाड़ में एक कहावत है, जीरा जीव का बैरी है, फिर भी यहाँ का मुख्य क्रॉप है क्योंकि यहाँ के लोग इसे खूब उपजाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पौधा यहाँ की जलवायु के लिए, यहाँ के वातावरण के लिए बेहद अनुकूल है। और वैसे भी जीरे के बिना स्वाद कहाँ आता है खाने में, ये तो हमारे किचन के मसालों का मुख्य मसाला है। तो आइए, जीरा और राजगिरा के बाद चलते हैं जोधपुर की रसोई में और देखते हैं वहां क्या है हमारे पास। वैसे तो जोधपुर के बाहर बहुत से रिजॉर्ट है, लेकिन मुझे ये वाला ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है,
क्योंकि इसमें रॉयल और रीजनल का मिक्स है जो कि जोधपुर का कल्चर है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या खास बात है और हमें क्या मिलेगा रीजनल। नमस्ते जी। हेलो। नमस्ते जी। दिस प्लेस इज अमेजिंग। और ये तो आपकी रसोई पहले से ही तैयार है, सजी हुई है बिल्कुल। तो आज हम खाने में क्या बनाने वाले हैं? आज हम हरे प्याज और राबड़ी की सब्जी बनाएंगे। ये राबड़ी क्या होता है? ये राबड़ी ज्वारी के आटे की होती है जो हम घर पे बनाते हैं। अच्छा, ये होममेड है, ये स्पेशली आप लोग बनाते हैं? जी हाँ। तो आज हम जोधपुर की रसोई में बनाने वाले हैं एक खास डिश जो ममता जी हमें बना के दिखाएंगी, और वो है राबड़े और प्याज की सब्जी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये सब्जी बनती कैसे, इसकी रेसिपी क्या है। तो आप बताइए कि इसमें क्या क्या जाता है, इसमें मसाले कौन कौन से पड़ते हैं? पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो आप इसे मतलब मूंगफली के तेल में स्पेशली बनाती हैं या फिर और भी कोई तेल में लोग बना सकते हैं? मतलब स्पेशली क्या मूंगफली के तेल इसी सब्जी के लिए यूज होती है, आप जनरली खाना अदरवाइज मूंगफली के तेल में बनाती हैं? स्पेशल इसी के लिए हम मूंगफली का तेल यूज करते हैं। ओ, मतलब मूंगफली के तेल में बनाने से इसका स्वाद काफी बढ़ जाता है। जी हाँ। तो एक बार हम ट्राई करते हैं कि हम तो आप भी जब इसे घर में बनाएं तो इसे मूंगफली के तेल में ट्राई करें। तो अब शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उसके बाद इसमें हम डालेंगे मूंगफली का तेल। अभी तेल गर्म हुआ है तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा जो आपको पता है कि यहाँ का मुख्य क्रॉप है जीरा। अभी हम थोड़ा इसको चलाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे राबड़ी। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे पापड़ और उसके साथ ही जाएगी हल्दी और नमक। अभी थोड़ी देर पकाएंगे इसको। हल्दी पक जाने के बाद हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। और अब डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए, ये सारे मसाले घर में बनाती हैं, यहाँ कोई भी बाहर की चीजें नहीं है, ये सब कुछ इनके ऑर्गेनिक होममेड मसाले हैं। और मसाले बहुत ही सिंपल है, इसमें हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, नमक है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और जो स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें जाता है वो है वो ज्वार का पापड़, राबड़ी, इसको यहाँ पे राबड़ी बोला जाता है। और इसमें हम डालेंगे हरा प्याज। तो सिर्फ हरा प्याज में बनता है या फिर नॉर्मल प्याज भी यूज कर सकते हैं? हम लोग ठंड में जो है हरे प्याज काम में लेते हैं और गर्मी में हम वो लाल वाले काम में लेते हैं। अच्छा, तो विंटर में हरा प्याज चूंकि बहुत फ्रेशली अवेलेबल होता है तो हम इसमें डालेंगे हरे प्याज और इसके साथ ही पानी। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। 20 से 25 मिनट में सब्जी बनके रेडी हो जाएगी और इसका कलर काफी सुंदर है। इसमें प्याज है, इसमें तो अलग अलग कलर्स हैं, तो ये देखने में तो काफी खूबसूरत लग रहा है। तो ममता जी ये बताइए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम 15 लोग हैं हमारे घर में और हम पूरा फैमिली मिलके ये काम करते हैं। ये तो आत्मनिर्भर भारत का जीता जाता एग्जाम्पल है क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुली मेंटेन किया गया, ये इतना बड़ा रिजॉर्ट है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सिर्फ एक फैमिली मिलके कर रही है। और यहाँ की सफाई, यहाँ की मेंटेनेंस, यहाँ का खाना, इनफैक्ट ये लोग जब कोई गेस्ट आते हैं तो ये लोग अपने हाथों से खाना बना के उन्हें खिलाते हैं। यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये टोटल घर का खाना इनके किचन से गेस्ट के प्लेट पे जाता है, तो ये तो काफी कमेंडेबल चीज है। इतना ब्यूटीफुल यहाँ पे, छोटे 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 जो बहुत ही विलेज वाली फील देते हैं, मतलब बहुत ही लोकल फील देते हैं। छोटे छोटे हट्स है, बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन है, ये किला का स्ट्रक्चर है, एक स्विमिंग पूल है, और साथ में जो आप देख रहे हैं पीछे जो सीनरी है, इसकी जो सीनिक ब्यूटी है, चारों तरफ पहाड़ और पेड़ से ये घिरा हुआ रिजॉर्ट है जो एक हमें बहुत ही अच्छा वाइब और अच्छी एम्बियंस देता है। तो आई थिंक हमारी जो सब्जी है वो रेडी हो गई है, 5 मिनट तो हो गए होंगे, तो अभी इसे सर्व करते हैं, देखते हैं कैसी है।
ये मेरा दावा है कि जब भी अगर आप ये सब्जी बनाएंगे आपको ये जरूर बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी, तो आप एक बार इसे ट्राई जरूर करना। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं जल्दी। जी राजस्थान आए और थाली नहीं खाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्ते। यार राजस्थान आए और थाली नहीं खाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए आज हम पहुंच चुके जोधपुर के बेहतरीन रेस्टोरेंट में, जहां ऑलमोस्ट हमें हर तरह की राजस्थानी क्विजीन एक ही छत के नीचे एक ही थाली में मिलेगी। रेडी, लेट्स गो। ओह माय गॉड, तो ये बहुत ही बड़ी थाली, और इसमें मैं देख रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 कटोरियां हैं। तो इसमें आप लोग क्या क्या आज सर्व करने वाले हैं? इसके हम पूरे थाली पे 40 आइटम आपको सर्व करें। 40? सुनाई दिया, कैन यू लिसन? 40 आइटम्स, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो सबसे पहले हम, आई एम वेरी रेडी, तो जल्दी जल्दी शुरू करें। ओके, शुरू करा दूं? जी जी जी। ये ओके, चार प्रकार की चटनी है। चटनी है ये? लहसुन की चटनी, लहसुन की चटनी, हरी धनिया की चटनी। ये धनिया की चटनी। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो देखिए थाली है, ये मेरे सामने भरी पड़ी है, लगभग 30 से 40 तरीके की चीजें इसमें होगी। तो ऐसे में ना बहुत मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि किस चीज के साथ क्या खाया जाए और कॉम्बिनेशन कौन सी सबसे बेस्ट होती है। तो मैं अभी फिलहाल बहुत कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं इनसे पूछूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी डिश के साथ, कौन सी रोटी के साथ, कौन सी सब्जी सबसे अच्छी बैठती है, मतलब कॉम्बिनेशन कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग होती है। तो मैं इनसे पूछ के मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो आप मुझे बता दीजिए कि जो रोटी के साथ सब्जी आ जाएगी आपकी, जी सब्जी, जी पनीर की सब्जी, कोमन आलू, जो आपकी जो बाजरे की सोगरा है ना, सोगरे के साथ में आप ये जो पंचकुटा है ना, ये बाजरे के साथ, जी बाजरे की रोटी के साथ, ठीक है? तो जैसा कि इन्होंने बताया मुझे कि ये जो स्पेशल सब्जी है जो है, जिसे पंचकुटा कहते हैं, वो बेस्ट गोज विद बाजरे की रोटी। मतलब ये इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बाजरे की रोटी और पंचकुटा की सब्जी। तो और ये जो राइस की रोटी है, ये आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो सब्जी है वो राजस्थानी है, और साथ में मेरे साथ कढ़ी भी है। सो कढ़ी तो हम वेट कर रहे हैं कि आगे कुछ और आने वाला है, तो तब तक हम ये सब टेस्ट करते हैं। ये मैं चावल का आटे की रोटी मैंने कभी नहीं खाई है, तो मैं खाऊंगी इसे आई थिंक भिंडी के साथ। और अब मैं खाने जा रही हूँ ये हल्दी की सब्जी, हल्दी और पनीर की सब्जी, जो मैं इस रोटी के साथ खाऊंगी। पता चल रहा है कि हल्दी की टेस्ट आ रही है, आई थिंक कच्ची हल्दी है, बहुत ही हेल्दी होती है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें वो ठीक करती है। आई थिंक हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, बहुत सारा खाना था, पर सब कुछ बेहतरीन और लाजवाब। मतलब मुझे तो और भी मन है खाने का, मेरा बहुत है, लेकिन मेरा पेट मुझे अभी जवाब नहीं दे रहा है। तो मैं यहीं पर अपने खाने को रोकती हूँ, और ये मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक एक डिश ऑथेंटिक राजस्थानी डिश है, जिसमें मुझे राजस्थान का फ्लेवर, उसके स्पाइसेस के फ्लेवर, उसकी खुशबू सब आ रही है, और मेरा मन तो बहुत ही ज़्यादा खुश है आज मुझसे, और मेरा पेट भी काफ़ी खुश है मुझसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, फिर से आएंगे। थैंक यू, नमस्ते।
जोधपुर की हवा में कुछ तो जादू जरूर है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। मानो जोधपुर भी यही कह रहा है कि अभी ना जाओ छोड़कर, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। आपको अगले शहर जो लेके चलना है स्वाद के एक नए सफर में, तब तक के लिए आपको छोड़े जाते हैं राजस्थानी संस्कृति की कुछ झलकियों के साथ। हम हैं 100 साल पुरानी बैलगाड़ी पर सवार, जिसमें आज स्वाद के सफर में हमने अपनी रसोई सजाई है बहुत ही खास जगह। जी हाँ, हम हैं नागौर फोर्ट में। और ये जो पौधा है मेरे हाथ में, ये आप बता सकते हैं किस चीज का पौधा है? मैं बताती हूँ, ये पौधा है जीरे का। ये एक ऐसा मसाला है जो हर घर में पाया जाता है, और इसके बिना कोई भी सब्जी में स्वाद आना बहुत मुश्किल है। रहे चौकस, गोबर के कंडे, भूसा, मिट्टी और खेतों में हो सकते हैं सांप। घबराए नहीं, काटने पर कराएं इलाज। आपकी थोड़ी सी होशियारी बचा सकती है मरीज की जान। बाढ़ और बरसात में डंक का जहर, जागरूकता और उपचार, स्वस्थ किसान लाइव। इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060, 1800-11-3061। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बनके रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रही है उम्मीदों के। हमसे ऐसी कहाँ गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।